दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पीडीएफ को पूरा एडिट कर सकते हो बिना कोई एक पैसा दिए। वो तो फ्री में आप किस तरीके से पूरा एडिट कर सकते हो पीडीएफ फाइल को, कैसे आप कर सकते हो वो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कैसे उसमें बेच वगैरह लगे होगी उसे हटा सकते हैं, साइन लगाना चाहे साइन लगा सकते हैं, या टेक्स्ट जो लिखा होता है उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गूगल पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। तो यहाँ पर सबसे पहला ही जो हमारे पास ऑप्शन आएगा उसको हम क्लिक कर देंगे। अब इसका नाम है सेजडा। तो ये बहुत बढ़िया हमारे पास एक टूल है ऑनलाइन पीडीएफ को एडिट करने के लिए। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्री आप 50 पेज तक आराम से आप एडिट कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा अगर पेज हो जाते हैं तो फिर आपको ये परचेज करना पड़ेगा, या लॉगिन करके भी आप आराम से काम चला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको छोटा मोटा कोई काम करना है, एडिट करनी है, 50 पेज तक की फाइल है तो आप आराम से कर लीजिए, उससे ज़्यादा होती है तो फिर आपको ये आपको उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो 50 पेज से ज़्यादा का वैसे भी ज़्यादातर होता नहीं है। तो बेसिकली हम अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप कोई भी मार्कशीट को एडिट कर सकते हैं, कोई भी आप पीडीएफ वाला कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे एडिट कर सकते हैं। जो अगर आप फोटोशॉप की बात करें तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसमें वो ड्रामा नहीं रहेगा, इजीली फिर आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चाहे आप वर्ड में करना चाहे या पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, वो भी कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल फाइल मैंने रखी हुई है। अब ये सैम्पल इसलिए है क्योंकि हम किसी और कोई डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चेंजेस नहीं कर रहेंगे, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर एडिट कैसे करना है, देखो अगर आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ पर वो आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टैक AMC। तो यहाँ पर हम टैक AMC को यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। उसका फॉर्मेट वगैरह भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो फॉर्मेट का भी कोई पंगा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम टैक AMC हमने यहाँ पर अपना चेंज कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कोई भी लेटर को चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पर भी आप इजीली इसे एडिट कर पा रहे हैं, देखो। तो यहाँ पर आपको एडिट करने का ये तो समझ में आ गया, बहुत ईजीली यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो टैक्स एडिटर होता है इससे आप कर सकते हैं, कोई लिंक लगाना चाहो लिंक लगा सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपको इस पर लिंक लगाना है तो यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसी पे यहाँ पर आगे आप लिंक सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर HTML यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, अपना जो भी आपका वेबसाइट का URL है वो सारा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा वहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको लगाने के लिए। यहाँ पर आपको कोई फॉर्म वगैरह, आप टैक्स मल्टीपल या ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, रेडियो बटन लगाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर आप आराम से इसे रेडियो बटन के तौर पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपको चेक बॉक्स लगाना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन आपको इसमें बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फुल्ली एडिट आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, आप इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं। जैसे ये रही एक इमेज, वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इमेज को यहाँ पर आप लगाना डिलीट करना बड़ा आराम से कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों साइन की, तो यहाँ पर आप साइन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नवीन, तो या फिर हम टैक AMC लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टैक AMC के बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे, सिंपल जैसा भी आप रखना चाहो वैसा रख दो, और जहाँ भी आपको साइन करना है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसे आप ऊपर नीचे कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों ये, अब बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है थोड़ा एडवांस पे कैसे काम करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल होगी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँगा, ऐसा करना नहीं है आपको, बस आप समझने के लिए करना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक फ़ाइल है, ये 50 पेज से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि फ्री लिमिट 50 पेज है, उससे ज़्यादा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम 50 पेज तक पर इसे कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये हमारे पास एथिकल हैकिंग के ऊपर एक कुछ PDF डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एथिकल हैकिंग वर्जन 1.1। तो यहाँ पर जैसा भी हमें ठीक लगे वो हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। अब देखो मैनेज करना भी बड़ा आसान है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है। इसी तरीके से हम नीचे यहाँ पर फ़ोटो हम चेंज कर सकते हैं, ये जो फ़ोटो है यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज में हम जाएंगे, इमेज में जाने के बाद यहाँ पर हम ये वाली जो इमेज है इसे ईजीली हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फोटो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये फ़ोटो वगैरह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हम नेम वगैरह कर सकते हैं, एड टेक्स्ट पे हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर है
नेम के आगे हम लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नवीन, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी एफिलिएशन जो भी है सारा चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आई कार्ड वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें, मार्कशीट वगैरह भी आप कर सकते हैं इजीली, बहुत सारी चीज़ों में इजीली आप इस पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल टूल है, बहुत बढ़िया टूल है और 50 पेज तक आप आराम से कर सकते हैं, तो कोई पंगा भी नहीं है। तो दोस्तों ये टूल आप यूज़ करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं आपको इसमें इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। मार्कशीट वगैरह आप एक बार ट्राई कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उससे आप समझ पाएंगे इसकी पावर क्या है। बहुत बढ़िया एक टूल है ऑनलाइन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।